हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखेंगे कि 3 डिजिट और 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को कम से कम टाइम में ट्रिक्स को यूज़ करके कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जब जाते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कम से कम टाइम में मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है और वहाँ मल्टीप्लिकेशन आना ही है, तो अगर ट्रिक पता हो तो जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखिए आप। 3 डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे, 4 डिजिट तक जाएंगे। अभी धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर आप बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या है कि 7 × 5, पहला यूनिट डिजिट को देख लो। 7 × 5 कितना हो रहा है, ये 35। तो 35 के लिए 5 लिख दिया और 3 अपना कैरी। ठीक है, ये मैं आपको जब बता रहा हूँ धीरे धीरे आप अपना स्पीड में कर पाओगे। 7 × 14 यहाँ क्रॉस करना है और यहाँ पहले 2 डिजिट क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया 14 और 45। ये ऐड करते हैं तो 59 और यहाँ पे 3 62। 62 के लिए 2 और 6 कैरी। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2 डिजिट का क्रॉस हो चुका है तो अब 3 डिजिट का क्रॉस। 3 डिजिट का क्रॉस कैसा होगा, ये इधर और ये इधर। तो 5 × 10। ठीक है, इधर ये 21, 7 और 3 का, और फिर 2 और 9 ये वाला 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 21 31 31 and 41 and 49 and 6 कैरी। कितना हो गया 55 के लिए 5। ठीक है, अगेन आपका 2 डिजिट का क्रॉस, पहला ये डायरेक्ट यूनिट, फिर 2 डिजिट क्रॉस, फिर 3 डिजिट क्रॉस और फिर यहाँ रिवर्स में अब 2 डिजिट क्रॉस। तो ये 27 and 4, 9 3 27 and 2 2 4 31। ठीक है, 31 और इधर ऑलरेडी आपके लिए 5 कैरी था, 55 के लिए 5 था, 5 कैरी था। तो यहाँ पे क्या 27 and 4 31 and 5 36। अब आया आपका 3 कैरी, अब ये 3 × 6। ठीक है, और ये 3 9। तो ये हो गया आपका आंसर 9 6 5 2 5। ठीक है, कैसे किया हमने, सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 और 7 को देखा, फिर क्या किया 2 5 9 7 इसे क्रॉस किया, फिर क्या किया 3 2 5 2 9 7 ट्रिपल डिजिट का क्रॉस। इसके बाद फिर से बस ये वाला क्रॉस और लास्ट ये, बस यही करना। 4 डिजिट में भी ऐसे ही जाना। 2 डिजिट का सिंपल जैसे ये किया था, यहाँ गए थे और यहाँ किया था ना। 3 डिजिट में देखो, अब 1 2 3 डिजिट, फिर रिवर्स में 2 1। 4 डिजिट के लिए भी क्या होगा, वैसे ही 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ऐसे ही चलना। 5 डिजिट भी हो तो आ गया। तो 4 डिजिट का क्या, 1 × 3, वही पहले 1 डिजिट 3, इसके बाद 2 डिजिट वाला क्रॉस, तो ये 1 और 6 7। ठीक है, 2 डिजिट वाला क्रॉस हो गया, तो अब 3 डिजिट वाला क्रॉस, 3 3 ज़ा 9, 8 1 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 19 का 9, 1 कैरी। ठीक है, ये होने के बाद अब 4 डिजिट का क्रॉस, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 8 2 ज़ा 16 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, सो 14 और 16, 30 and 3, 33 and 1 कैरी, 34, 3 कैरी। अब इसके बाद 4 डिजिट क्रॉस हो चुका,
तब फिर से अब इधर से थ्री डिजिट का क्रॉस, टू टू से फोर, फोर और फोर एट, और यहाँ 24, 32 और थ्री कैरी, सो 35। अब फिर से थ्री कैरी, अब टू डिजिट का क्रॉस होगा, टू थ्री जा सिक्स एंड फोर एट जा 32, 32 एंड सिक्स 38, 38 एंड थ्री 41, 41 का वन और बचा फोर, और फिर टू फोर जा एट, एट एंड फोर 12। तो कितना भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, थ्री और फोर का तो मैंने करके दिया, कितना भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, करना कैसे है ये ट्रिक, तो सब आपको बोलते हैं ट्रिक बनता कैसे, कैसे ये कर कैसे रहा हूँ मैं, आपको सिंपल यही रखना है, जितना भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, जब वन डिजिट होता है आप ये मल्टीप्लाई करते हो, टू डिजिट होता है तो आप पहला ये करते हो, फिर ये दोनों और फिर ये वाला, हो जाता है टू डिजिट। तो पहले आप टू डिजिट के लिए क्या करते हो, वन टू वन, मतलब पहले यूनिट डिजिट, फिर इधर क्रॉस, दो डिजिट का क्रॉस और फिर एक डिजिट। थ्री डिजिट हो तो वन डिजिट, टू डिजिट का क्रॉस, थ्री डिजिट, ये लिया था यहाँ पे, ये थ्री डिजिट, फिर से टू डिजिट लेते हैं हम और फिर वन डिजिट। फोर डिजिट था वही हुआ, वन टू थ्री फोर, थ्री टू वन। फाइव डिजिट का भी होगा वैसे ही, वन डिजिट लेंगे, फिर टू डिजिट का क्रॉस लेंगे, फिर थ्री डिजिट का, फोर डिजिट का, फाइव डिजिट का, फिर रिवर्स में जाते हुए, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ऐसे और सारे ट्रिक्स के लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो, थैंक यू।